करेंगे हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबॉलिट्स, हमारा सेकेंड मेन टॉपिक। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबॉलिट्स, अगर हम एक लिस्ट बनाते हैं बायोमोलिक्यूल्स की, तो हमें थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं जिनमें अमाइनो एसिड शुगर्स प्रेजेंट होते हैं ना, और इन बायोमोलिक्यूल्स को एज अ मेटाबॉलिट्स हम बोल सकते हैं। ओके, और मेटाबॉलिट्स मतलब बायोमोलिक्यूल्स जो हैं ये दो तरह के होते हैं, प्राइमरी मेटाबॉलिट्स और सेकेंडरी मेटाबॉलिट्स। ये प्राइमरी मेटाबॉलिट्स होते हैं, ये यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल होते हैं मतलब कि ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। और जो सेकेंडरी मेटाबॉलिट्स होते हैं ये ओनली जो है प्लांट्स में, फंजाई में और माइक्रोब्स में पाए जाते हैं। और प्राइमरी मेटाबॉलिट्स के फंक्शंस हम पहले से जानते हैं, बट सेकेंडरी मेटाबॉलिट्स के फंक्शंस हम नहीं जानते, अननोन फंक्शंस होते हैं। और प्राइमरी मेटाबॉलिट्स के एग्जांपल्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये सभी क्या है, प्राइमरी मेटाबॉलिट्स। और सेकेंडरी मेटाबॉलिट्स में सम हैव जो हमारे ह्यूमंस हम यूज़ करते हैं एज अ ह्यूमन वेलफेयर यूज़ जिन्हें किया जाता है, और इनके सम हैव इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस होती है सेकेंडरी मेटाबॉलिट्स की। सेकेंडरी मेटाबॉलिट्स में जैसे आ जाता है पिगमेंट्स आ जाते हैं, अननोन फंक्शन है नहीं जान, पिगमेंट्स जैसे कि कार्टिनॉइड, एंथोसाइनिन है ना, ये पिगमेंट्स आ जाते हैं। जैसे एल्किलॉइड्स आ जाते हैं जैसे मॉर्फिन, कोडिनाइन है ना, वैसे टर्पेनॉइड्स आ जाते हैं जैसे कि मोनोटर्पेन्स, डाइटर्पेन्स, और इसेंशियल ऑयल्स लेमन ग्रास ऑयल, टॉक्सिन्स आ जाते हैं एब्रिन, रिसिन, लिसेथीन आ जाती हैं इसमें, ड्रग्स आ जाती हैं जैसे विनब्लास्टिन, कुरुकुमीन, पॉलीमेरिक सब्सटेंस आ जाते हैं जैसे रबर्स है, गम्स है, ये सारे किसमें आ जाते हैं, सेकेंडरी मेटाबॉलिट्स में आ जाते हैं। और प्राइमरी और इसके अननोन फंक्शन हम नहीं जानते फंक्शन को, और ह्यूमन वेलफेयर एज ए यूज होते हैं, और प्राइमरी मेटाबॉलिट्स होते हैं यूनिवर्सल होते हैं, इनके फंक्शंस नोन होते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स आ जाते हैं। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पर मेरा सेकेंड मेन टॉपिक फिनिश होता है।